उत्तर प्रदेश के शामली में सिटी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नंदू प्रसाद में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क पर साइड में चल रही महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने पिकअप में तोड़फोड़ करते हुए जमकर हंगामा कर मुआवजा दिए जाने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस मामले में एसडीएम सदर सुरजीत कुमार ने बताया कि घटना काफी दुखद है, पीड़ित परिवार की आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में लिखकर भेजा जाएगा और जो भी हर संभव मदद होगी वह पीड़ितों को दी जाएगी। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से संवाददाता फुरकान जंग की रिपोर्ट। क्या हुआ, क्या मामला है? जी हम डॉक्टर के से जा रहे थे, डॉक्टर साथ ही थे, पहले तो उसने उसके टक्कर मारी और फिर उसे ट्रक के नीचे गिर के उसके ऊपर को चला दिया, पहिए उतार दिए। रीटा शादीशुदा थी क्या? जी शादीशुदा थी। बच्चे घटना वास्तव में बहुत ही दुखद है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन अब यह है कि जमीन इनके नाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हो गई है, कल ही इनकी पत्रावली बनाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दी जाएगी और शीघ्र उसकी सहायता के लिए लिखा जाएगा, जैसी सहायता आएगी तत्काल दिलवा दी जाएगी। मोहल्ला नंदू प्रसाद में जो है कि रीता नाम की लड़की का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक्सीडेंट में डेथ हो गई, ड्राइवर को और गाड़ी को पकड़ लिया गया है, मुकदमा कायम हो रहा है, कार्रवाई हो रही है।